Prime Minister Narendra Modi addressed the nation in 115th episode of his monthly radio program Manki Baat sharing his thoughts with countrymen in India and abroad PM Modi said India will be celebrating the 150th birth anniversary of Sardar Patel and Bhagwan Birsa Munda PM Modi also highlighted the dangers of digital arrest and asked people to remain cautious ये तीन चरण है रुको सोचो एक्शन लो कॉल आते ही रुको घबराए नहीं शांत रहे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें इसके बाद आता है दूसरा चरण पहला चरण था रुको दूसरा चरण है सोचो कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है न ही ऐसे पैसा की मांग करती है अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है और पहला चरण दूसरा चरण और अब मैं कहता हूँ तीसरा चरण पहले चरण में मैंने कहा रुको दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें साइबर क्राइम डॉट गो डॉट इन पर रिपोर्ट करें परिवार और पुलिस को सूचित करें सबूत सुरक्षित रखें रुको बाद में सोचो और फिर एक्शन लो ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे पीएम मोदी आल्सो एमसाइज हाउ इंडियन एनिमेशन आर बिकमिंग पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिएटिविटी। साथियों आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है वो तैयार कर रहे हैं इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है जैसे इन दिनों वी आर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है मैं भारत के युवाओं से कहूँगा अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें